हाँ तो गाइस, अगर आप भी ऐसा इमेज जनरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल की मदद से, तो मैं जैसा वीडियो में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप स्टेप आप भी फॉलो करिए और ऐसा ही इमेज जनरेट कर पाएंगे आप। तो चलिए वीडियो बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि मैं इस वीडियो में ये सरस्वती माँ का AI जनरेटेड फोटो बनाना सिखाने जा रहा हूँ, आप भी अपने इंस्टाग्राम पर इसे अपलोड करके अच्छा खासा व्यू एंड फॉलो पा सकते हैं, क्योंकि ये AI द्वारा बनाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में आपको ओपन करना है गूगल एप्लीकेशन। गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेने बाद यहाँ पे आपको सर्च वाले टैब पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है Bing Image AI। आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च कर लेने बाद पहला वाला वेबसाइट आया है जिसका नाम है इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट जब यहाँ पे ओपन हो जाए, अगर आपको Bing इमेज क्रिएटर में साइनअप करना नहीं आता है तो मैं अपने वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ, वहाँ से आप देखकर आसानी से यहाँ पर साइनअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आपको लिखना है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जिसका नाम आपको लिखना हो, प्रिंस की जगह पर आप अपना नाम या जिसका भी नाम लिखना हो उसका नाम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, जिसका भी इमेज जनरेट करना हो। और अगर आपको लड़की का बनाना है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा प्रॉम्प्ट, अगर लड़के का बनाना है उसका भी कर दूंगा। क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे थोड़ी देर में इमेज ये बना के दे देता है, आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लीजिएगा, तब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। जब यहाँ पे इमेज आ जाए उसके बाद जिस इमेज को आपका नाम सही से लिखा हो उस इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए उसी इमेज पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे आपका इमेज ओपन हो जाए, यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं चारों इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए। आपको जो इमेज यहाँ से अच्छा लगता है उस इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इतना आप कर लीजिएगा, उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आ जाने बाद यहाँ पे आपको ओपन करना है इंसर्ट एप्लीकेशन। आपको ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंसर्ट एप्लीकेशन को। इंसर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेने बाद यहाँ पर आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और जिस फोटो को आपने अभी Bing इमेज क्रिएटर में डाउनलोड किया था अपने नाम से उस फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमको इसका रेशियो 7:2 तक रखना है और इसका बैकग्राउंड आप जितना रखना चाहे रख लीजिएगा। मैं तीसरा वाला ब्लर यूज़ कर रहा हूँ। आपको अगर कलर यहाँ पर चूज़ करना है आप कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लग रहा है तीसरे वाले में कर लेता हूँ। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फ्रेम रेट में 60 FPS पर और रेगुलेशन में 180p पर सेव कर लीजिए। यहाँ पे हमारा वीडियो सेव हो रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे आप वेट कर लीजिए, तब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। जब यहाँ पे ये कम्प्लीट हो जाए सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, फिर आपको बैक आ जाना है यहाँ से। उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है सिक्योर VPN। सिक्योर VPN आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने बाद ओपन कर लीजिए। ओपन कर लेने बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लीजिए। उसके बाद कनेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। VPN कनेक्ट हो जाने बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है गूगल एप्लीकेशन। गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेने बाद सर्च वाले टैब पर क्लिक करके यहाँ पे आपको सर्च करना है हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट। यहाँ पे आप हीलिंग थाईलैंड कैपकट टेम्पलेट कर सर्च कर लीजिए। ये पहला वाला वेबसाइट आया है, इसे पे आपको क्लिक कर देना है। इसका नाम सही से पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट जब यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। स्क्रॉल डाउन कर लेने बाद ये जो पहला वाला वीडियो आया है जिसके नीचे लिखा है यूज टेम्पलेट इन कैपकट, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने देने बाद ये सीधा आपको कैपकट ऐप में ले जाएगा। जब यहाँ पे आपका टेम्पलेट ओपन हो जाए, यूज टेम्पलेट पर आपको क्लिक कर देना है और जिस वीडियो को आपने अभी इंसर्ट एप्लीकेशन में क्रिएट किया था उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमारा लोडिंग इफेक्ट हो रहा है, इसे हमें 100% तक कंप्लीट हो जाने देना है, तब मैं आपको आगे के स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। जब यहाँ पे लोडिंग इफेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए आप नीचे लिखा हुआ है अप्लाइंग स्मूथ स्लो मोशन 0%, इसे हमें 100% तक कंप्लीट हो जाने देना है,
तब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। यहाँ पे थोड़ी देर आप वेट कर लीजिएगा। जब यहाँ पे अप्लाइंग स्लो मोशन 100% कंप्लीट हो जाए, स्पोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें में से क्वालिटी वाले ऑप्शन में हमें 2K 4K पे डन पे क्लिक करना है। उसके बाद शेयर टू वाले में डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, यहाँ पे आप थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, तब मैं आपको आगे का स्टेप समझाता हूँ वीडियो में। यहाँ पे जब एक्सपोर्टिंग 100% कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद आपको क्लिक करना है डन वाले ऑप्शन पे। डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेने बाद यहाँ पे अब आपको वीडियो में अगर सॉन्ग लगाना है तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आ जाने बाद आपको इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेना है अपना। इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेने बाद यहाँ पे आपको जिस सॉन्ग पे लगाना है उस सॉन्ग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे इस वाले सॉन्ग पे एग्जांपल के लिए लगाना है अगर वीडियो को, इस वाले सॉन्ग पे आपको क्लिक कर लेना है। यूज आइडियो पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे लॉग आइडियो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लीजिए। आइडियो जब यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जिस वीडियो को आपने अभी कैपकट ऐप में डाउनलोड किया है, उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका आइडियो यहाँ पे लगाने के लिए आइडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, ऊपर कंट्रोल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कैमरा आइडियो को एकदम डाउन पे रख देना है, और यहाँ पे जो सॉन्ग का आइडियो है उसे यहाँ पे फुल पे क्लिक करके आपका आइडियो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने के लिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो लिखना है वो लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा वीडियो बनके तैयार हो चुका है। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। गुड बाय।